बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर्स में आता है, तो आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें। न्यूक्लिक एसिड जो है ना, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है, इन वाइट ब्लड सेल WBCs में, ठीक है, इन 1868 में, और इन स्पर्म इन 1872। और किसने डिस्कवर किया था? जॉन्स फ्रेडरिक मैस्टर ने, ठीक है, इसने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था, इसने इनको आइसोलेट किया था WBCs से इन 1868 में, और स्पर्म में इन 1872 में, ठीक है। और इसने फिर इनके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि दे आर न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट आर फाउंड इन एवरी सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और दूसरी जो था ये क्या था, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीन्स, यानी जीन्स जो है जो हमारा स्टोरिंग मटेरियल फॉर करेक्टर्स है, तो उसका ये एसेंशियल कंपोनेंट है। उसमें ये जो है असल में डीएनए और आरएनए की सूरत में पाया जाता है, तो इसलिए। और ये क्या कैरी करता है, ये ब्लू प्रिंट हो रखता है, प्रिंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ईच सेल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तमाम जानदारों के सेल में पाया जाता है, और उनकी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ दैट एनिमल्स ड्यू टू द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक है, तो हर एनिमल के स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक शेप होता है, तो वो जो सारी स्पेसिफिक शेप है उसके लिए ये ब्लू प्रिंट रख रहा होता है। इसमें स्टोर होते हैं करेक्टर, सारे स्टोर होते हैं कि सेल को किस तरह डिवाइड होना है, किस शेप में सेल ने बनना है, कहाँ का सेल है ये, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे हार्ट का है तो उसमें क्या होनी चाहिए, पंपिंग की करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर वो किडनी का सेल्स है, नेफ्रॉन है, तो उसकी स्ट्रक्चर अलग से होगी, उसका फंक्शन अलग होगा, तो ये सारी ब्लूप्रिंट्स उसके लिए रखता है। जब इसको मजीद स्टडी किया गया तो ये बात सामने आई कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये कंप्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर कंप्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये हैं कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड दरअसल में बायोपॉलीमर होते हैं दो कंपोनेंट्स के, एक को हम बायो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप के, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो हैं पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोसाइड
ग्रुप के और फास्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो ग्रुप पे मुश्तमिल होता है, एक को नाइट्रोजन बेस हम कहते हैं, दूसरे को पेंटोज शुगर कहते हैं, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। तो ये जो है ये इन दो पर मुश्तमिल होते हैं, और 5 कार्बन शुगर की बुनियाद पर अगर उसमें जो है ऑक्सीजन निकल जाए तो उनको हम फिर जो है डीएनए कहते हैं, उन न्यूक्लिक एसिड को डीएनए यानी डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरे को हम जो है आरएनए कहते हैं, जिसमें जो शुगर है उसमें कार्बन मेंटेन ऑक्सीजन मेंटेन रहता है और इसको हम राइबोज न्यूक्लिक या राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड किस तरह होता है, किन किन उस पर मुश्तमिल होता है, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिकली किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, तो हमने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, एक को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में जो है फिर दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम राइबोज शुगर कहते हैं यानी 5 कार्बन वाला शुगर, ठीक है, और दूसरे को हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। और नाइट्रोजन बेसिस के फिर 5 टाइप्स हैं, जिनमें यूरासिल है, थाइमीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, और साइटोसिन है, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस हो गए, जिन पे नाइट्रोजनस बेस मुश्तमिल होते हैं या न्यूक्लो साइड आपका मुश्तमिल होता है। और जो फिर सेकंड वो है आपका कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो है फास्फेट ग्रुप। जो PO4 के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अब पहले आते हैं कि हमारे पास राइबोज शुगर जो है, जिसकी बुनियाद पे हमने डीएनए और आरएनए को क्लासिफाई किया, इसमें दरअसल दोनों की बाकी स्ट्रक्चर सेम होती है, 5 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। अगर मैं गिनूँ ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह यहाँ भी 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन जो फ़र्क है इन दोनों के स्ट्रक्चर में वो इस में फ़र्क है, इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन इससे निकल जाता है, इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं और इसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, ठीक है। अब इसी की बुनियाद पे हम डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई करते हैं। अगर हम इनका डिटेल स्ट्रक्चर में जनरल स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ, तो ये आपका फाइव मेंबर कार्बन शुगर हो गया, इसके साथ आपका फास्फेट ग्रुप ये अटैच होता है, फिर इधर आपका भी फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, फिर ये दूसरे उसके साथ अटैच होता है शुगर के साथ, और यहाँ पर आपका जो है नाइट्रोजनस बेस, में इसको ऐसे नाइट्रोजनस बेस को, ठीक है, इसी तरह
ये फिर फास्फेट ग्रुप और सो ऑन, आपके ये जो है आपके एक न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। और ये फिर जो डीएनए है उसमें डबल हेलिक्स प्रेजेंट, उसमें इस तरफ भी दूसरा हेलिक्स, ये एक हेलिक्स है, एक वो है, ठीक है, और इधर फिर जो है दूसरी होगी, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान, और ये जस्ट आपको एक लेडर का तरह शक्ल दिखाएगी जो ट्विस्टेड होगी, कॉइल्ड होगी, ठीक है। और आरएनए में जो है वो सिंगल स्टैंड होगा आपका, ठीक है, सिंगल स्टैंड पर मुश्तमिल होगा, उसमें डबल स्टैंड कोई नहीं होगा, वो सिंगल स्टैंड पर जस्ट मुश्तमिल होगा। और फ़र्क जो है डीएनए और आरएनए में दूसरा फ़र्क क्या होगा, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर का, तो एक को हम डाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे और दूसरे को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे या आरएनए, ठीक है। तो अब ये हो गए आपके न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड की इम्पोर्टेंस, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है ये क्या करता है, स्टोर हेरिडिटरी या जेनेटिक करेक्टर्स और ये क्या करता है, इन हेरिडिटरी करेक्टर्स को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपनी तरह और कापियां बनाता है, ताकि जो नए सेल जिससे बने बाय मेटासिस या मियासिस, तो उनमें वो करेक्टर सारे जाएं और ट्रांसमिट हो और फिर उसी तरह सेल्स की ग्रोथ हो और उसी तरह सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस हो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये स्टोर करता है। सेकंड जो है ये किसका काम में यूज़ होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में भी इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आरएनए भी इसको डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक कोड रखता है और आरएनए उससे वही कोड, जेनेटिक कोड कॉपी कर लेता है, उसको रीड करता है, उसको डिकोड कर लेता है और फिर क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को उस कोड के मुताबिक अरेंज करता है और प्रोटीन आपको, स्पेसिफिक प्रोटीन आपको बना कर देता है। ये असल में जो आरएनए है ये असिस्टेंट का काम करता है डीएनए के साथ, डीएनए ऑर्डर देता है, डीएनए उसको कोड देता है जेनेटिक, और ये उसको फिर डिकोड वगैरह करके और उसको कोड को इस्तेमाल करके आपको स्पेसिफिक प्रोटीन बनाकर दे रहे होते हैं। अब कभी कभार ऐसे हो जाता है कि डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, उसमें किसी भी म्यूटेजन की वजह से, वो केमिकल हो सकता है, वो रेडिएशन हो सकते हैं, ख़राबी आ जाती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो जो कोड होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो गलत हो जाता है और फिर आपको जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और आपको एबनॉर्मल प्रोटीन बनाकर दे रहे होते हैं डीएनए वही। तो फिर उसके लिए एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम दोबारा उसको क्या करता है, रीसीक्वेंस ऑफ करता है डीएनए की, डीएनए को ठीक सीक्वेंस में ले आता है और प्रोटीन आपका जो बनना चाहिए उसी प्रोटीन को बना कर देता है, उसमें वही अमीनो एसिड की सीक्वेंस को सही कर देता है। लेकिन कभी कभार जो है आपका जो सीक्वेंस सही, वो एंजाइम फेल हो जाता है, उस डीएनए में जो म्यूटेशन हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको करेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर आपके पास म्यूटेंट्स बनते हैं जो मुख्तलिफ माजूरी के बायस बनते हैं इंसानों में, जानवरों में, पौधों में मुख्तलिफ, फिर वो डिफरेंट एबनॉर्मल करेक्टर शो कर रहे होते हैं। तो ये हो गए हमारे डीएनए के प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें म्यूटेशन, ठीक है। तो ये अगर और दूसरे जो है यही म्यूटेशन बाय वायरसेस भी हो सकती है, तो ये आपके डीएनए की क्या हो गई, सारी न्यूक्लिक एसिड की इम्पोर्टेंस हो गई। तो वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।